सीधा आपको यहां से लिए चलते हैं लखनऊ, जहां पे सीएम योगी संबोधन कर रहे हैं। देखिए सीएम योगी लाइव। योजना का शिलान्यास किया था लेकिन 2017 तक योजना पूरी नहीं हो पाई थी। मार्च 2017 में आने के बाद जब मैं इसकी समीक्षा कर रहा था तो हम लोगों ने भारत सरकार से भी अनुरोध किया और भारत सरकार का सहयोग हमें प्राप्त हुआ। राज्य सरकार और नाबार्ड से हम लोगों ने धनराशि दे करके और एक वर्ष में इस परियोजना को पूरा किया, जिसमें हमारा लगभग 2.25 लाख हेक्टेयर यानी 1,75,000 हेक्टेयर लैंड इससे सिंचित हो रही है। 1.5 लाख किसान सीधे सीधे इससे लाभान्वित हो रहा है और आज इस परियोजना को 18 जुलाई 2018 में प्रधानमंत्री जी के द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया जा चुका है। वर्तमान में हम लोगों ने सरयू नहर परियोजना, मध्य गंगा परियोजना, अर्जुन सहायक परियोजना जैसी तमाम परियोजनाओं को हाथ में लिया है और हमारा प्रयास है कि इस वित्तीय वर्ष के अंत तक इन सभी परियोजनाओं को हम पूरा करें। इससे प्रदेश में इन सभी जो लंबित परियोजनाएं थी सिंचाई की, इन सभी के पूरा होने पर 20 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि को हम सिंचाई की क्षमता उपलब्ध कराने में सफल हो जाएंगे। स्वाभाविक रूप से प्रधानमंत्री जी की जो मंशा है कि किसान को हम तकनीक दें, समय पे बीज दें, बीज से लेके बाजार तक उसके लिए हम सुविधाएं उपलब्ध कराएं और उत्तम तकनीक उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य कर सकें, इस दिशा में हम लोगों ने आने के तत्काल बाद 20 नए कृषि विज्ञान केंद्र प्रदेश के अंदर स्वीकृत कराए, जिसमें आज एक कृषि विज्ञान केंद्र का शिलान्यास आपके करकमलों से यहां पर होने जा रहा है। और मेरा यह मानना है कृषि विज्ञान केंद्र आज उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों में, बड़े जनपदों में 2 और छोटे जनपद में 1 कृषि विज्ञान केंद्र हमारा आज खुल चुका है। इसके साथ ही इन कृषि विज्ञान केंद्रों को अपने प्रदेश के 4 कृषि विश्वविद्यालयों के माध्यम से जोड़ करके किसानों को आधुनिक तकनीक और समय पे उन्नत किस्म के बीज उपलब्ध हो सकें, इसके लिए भी हम लोगों ने इन योजनाओं को इसके साथ जोड़ने का कार्य किया है। और आज इसका परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी किसानों की उपज को खरीदने के लिए अपनी प्रोक्योरमेंट की नीति है। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के किसानों की फसल को खरीदने की कोई व्यवस्था नहीं थी, जिसका परिणाम था कि जब MSP धान की 1400 रुपये हुआ करती थी तब प्रदेश के किसान को 900 रुपया भी नहीं मिल पाता था। और इस समय इस वर्ष हम लोगों ने जब धान का क्रय किया, अब तक हम लोग लगभग 50 लाख मीट्रिक टन धान का क्रय कर चुके हैं और इस 50 लाख मीट्रिक टन धान के क्रय की प्रक्रिया के साथ हम लोगों ने देखा कि MSP अगर 1835 रुपया है तो किसान के खाते में 1855 रुपया गया है, क्योंकि लागत से अधिक दाम हमने उसकी ढुलाई, उसकी छनाई के लिए अतिरिक्त पैसा भी किसान को मंडी परिषद के माध्यम से देने का कार्य किया है। और ये पहली बार हो रहा है जब लागत से अधिक दाम राज्य में किसानों के खाते में जा रहा है और सीधे किसानों से क्रय करने की व्यवस्था राज्य सरकार के द्वारा सीधे विभिन्न अपनी संस्थाओं के माध्यम से प्रारंभ किया गया है। यही धान में, यही गेहूं में, दलहन में, तिलहन में, मकई में और यहां तक कि आलू के लिए भी पहली बार समर्थन मूल्य की घोषणा प्रदेश के अंदर की गई। गन्ना किसान, जब हम लोग 2017 में आए थे 2011 से लेकर के 16-17 तक गन्ना मूल्य का बकाया भुगतान बाकी था। चीनी मिलें बंद हो रही थी, तमाम चीनी मिलों को पिछली सरकारें बेच चुकी थी या बंद करवा चुकी थी। हमारी सरकार आई, हम लोगों ने बंद चीनी मिलें, अगर न्यायालय में मामले लंबित नहीं है तो उन चीनी मिलों को प्रारंभ करवाने की व्यवस्था की। जब तक किसान के खेत में एक भी डंठल गन्ने का होगा तब तक चीनी मिल चलेगी और पहली बार जून माह के मध्य जून तक चीनी मिलें प्रदेश के अंदर चलती हुई दिखाई दी। यह प्रदेश के अंदर हुआ और अब तक लगभग 82,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान किया। एक और तथ्य जो मैं लाना चाहूंगा कि जब महाराष्ट्र और कर्नाटक के अंदर आधी चीनी मिलें बंद हो चुकी हों, उन स्थितियों में प्रदेश के अंदर 116 से बढ़ा करके 121 चीनी मिलें आज के दिन पर चल रही हों, ये अपने आप में प्रदेश के किसानों के बारे में
आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया का एक हिस्सा है और आज उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए हम सब यहाँ पर आपके मार्गदर्शन के लिए सभी हमारे किसान भाइयों बहन यहाँ पर आपके भी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हमने प्रयास किया है कि किसान की लागत कम हो लेकिन उत्पादकता बढ़े, इसके लिए हमने ड्रिप इरिगेशन की तरफ भी इन्हें बढ़ावा देने का कार्य किया है। इसमें 80 से लेकर 90 फीसदी तक सब्सिडी देने का कार्य उन सभी किसान भाइयों को उपलब्ध कराने का कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा अन्य तमाम प्रकार की तकनीकों को भी इनके साथ जोड़ने की प्रक्रिया का हिस्सा बनाया जा रहा है और मुझे विश्वास है कि अभी जिन कृषक उत्पादक संगठनों को यहां पर आपके द्वारा सम्मानित किया गया है, ये वास्तव में किसानों के लिए एक बहुत लाभकारी योजना हो सकती है। 352 कृषक उत्पादक संगठन वर्तमान में हमारे पास हैं और पहले चरण में हम लोगों ने तय किया है कि कम से कम हमारे पास प्रदेश के अंदर 823 विकास खंड हैं। हर विकास खंड में एक एक कृषि उत्पादक संगठन अनिवार्य रूप से कार्य करना प्रारंभ करे और दूसरे चरण में हमारा प्रयास होगा कि न्याय पंचायत स्तर पर लगभग 8000 के आसपास हमारी न्याय पंचायतें होंगी प्रदेश में, इन 8000 न्याय पंचायत स्तर पर एक एक कृषि उत्पादक संगठन कार्य करे और तीसरे चरण में हमारी लगभग 60000 ग्राम पंचायतें, इन सभी 60000 ग्राम पंचायतों में एक एक कृषि उत्पादक संगठन कार्य करे। यह किसानों के जीवन में व्यापक परिवर्तन लाने और एक आपसी सामूहिकता के माध्यम से हम खेती को लाभकारी बनाने की दिशा में कैसे अग्रसर कर सकते हैं, इसमें इसकी बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है। आज आपका मार्गदर्शन यहाँ पर हमारे किसानों को प्राप्त हो रहा है। हमारे किसान बहुत प्रगतिशील हैं, मेहनती हैं, परिश्रमी हैं और उत्तर प्रदेश की धरती में जो अत्यंत उर्वरा धरती है, पर्याप्त जल संसाधन यहाँ पर इनके पास मौजूद है और मैंने इस बात को महसूस किया है कि हमारा किसान भाई इस धरती पर सोना उगलने का काम अपने परिश्रम से, अपने पुरुषार्थ से कर सकता है। प्रगतिशील किसान सम्मेलन में सीएम योगी लाइव किसानों को दी कई सौगातें, 5 कृषि कल्याण केंद्र का शिलान्यास किया और गन्ना किसानों को लेकर भी दी कई सौगातें।